भाई कैसा फील कर रहा है यहाँ पे यार? मजा आ रहा है सच में यार। तो आपको पता है कहाँ जाना है? नीचे जाना है भाई, नीचे जहाँ से पानी बह रहा है ना, वही जाना है हमें। आपका भाई ना चाय वाला बन चुका है, देख लो भाई। भाई यहाँ पे हमें पकड़ा गया था यार, तो चेकिंग कर रहे थे ये लोग। अफू भाई को वेलकम करने के लिए पुलिस खड़ी थी हम लोग। Assalamualaikum guys, once again welcome back to my YouTube channel BeastTrends19. I hope मेरे दोस्त जैस भी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। Guys, आज सुबह सुबह ना एक सीन हुआ, वो अपू भाई ना वो अनंतनाग से यहाँ आ रहे थे क्योंकि हमें जाना था कहीं, ठीक है। तो मैंने बाइक यहीं से उसको भिजवाई थी क्योंकि उसको अपनी बाइक जो है वो साथ में नहीं है, उसको अपनी बाइक जम्मू में है। और अब सीन पता है क्या हुआ, क्योंकि बाइक के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो घर में थे यार, उसके पास RC 200, तो उसके डॉक्यूमेंट्स घर में थे, तो उसको पुलिस ने पकड़ा। सुबह सुबह ही सीन हुआ, उसने कॉल की भाई पुलिस ने पकड़ा, डॉक्यूमेंट कोई भी साथ में नहीं है, तो जल्दी से आ जाओ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास। तो उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, पुलिस को डॉक्यूमेंट्स अच्छे से दिखाते हैं, तो उसके बाद अपनी बाइक को वहां से ले आएंगे। सो गाइस, अब पुलिस को हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो पुलिस ने फाइनली बाइक को छोड़ दिया है, ठीक है। अबू भाई को वेलकम करने के लिए पुलिस खड़ी थी, आप लोगों ने देखा, ठीक है। स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं भाई, सभी लोग ना आ चुके हैं। तो फिलहाल अपने साथ है 4 बाइक्स, ठीक है, ड्यूक 2 और RC 2, और गाड़ी वाला भी अपने साथ है स्विफ्ट में। तो अफू का वेलकम ना यहाँ पे पुलिस ने किया था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो इनको पहले ही रोका था, तो अब हमने डॉक्यूमेंट्स सारे इनको दिखाए, फिर उन लोगों ने उनको छोड़ा अच्छे से। तो यहाँ से हम अपना राइड स्टार्ट करते हैं। तो अभी पता नहीं है कि हमें कहाँ पे जाना है, तो रास्ते में डिसाइड हो जाएगा कि हम किस लोकेशन पे जाने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से हमने पेट्रोल डाला अपनी बाइक में क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम था, तो आगे तक पेट्रोल तो कोई भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल 2 बाइक्स वेट कर रही है मेरा, तो गाड़ी वाला जो है वो आगे गया है, तो वो अंकल से लेते हैं पैसे वापस। तो फिलहाल ना हमें मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, रोड ना ऐसे ही ख़राब मिलेगा हमें, तो आगे से रोड बिल्कुल ठीक है, तो ये बर्दाश्त करना है हमें वहाँ तक, क्योंकि रोड आप देख सकते हो भाई कितना ख़राब है। तो अबू भाई जब रुकाना, अबू भाई बोल रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में ये नहीं होता कि किसी दुकान से हम लोकल में पेट्रोल डालें, ठीक है। वहाँ पर पेट्रोल पम्प बहुत सारे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर पेट्रोल पम्प कम है। मेरी बाइक में बहुत कम पेट्रोल था यार, तो इसलिए मैंने यहाँ से डाला। मौसम ने अपना साथ नहीं दिया है भाई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उस वाले साइड जा रहा है ना, वहाँ से इससे ज़्यादा ख़राब मौसम होने वाला है। तो गाइस हम लोग पहुँचे सवालगा मार्केट, सारे बाइक वालों को आना था, हमारा वेट आगे कर रहे होंगे या अभी पीछे होंगे, अभी पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, ठीक है। सारी ठंड है भाई, यहाँ से पूरी तरह ना बर्फ़ दिखने लगी है, बहुत सारी बर्फ़ है, देख लो कितनी सारी बर्फ़ है। अबू को मज़ा आ रहा है, फील कर रहा है, क्योंकि इससे इससे पहले ना बर्फ़ में इसने यहाँ पे कभी राइड नहीं किया था बाइक पे, ठीक है। तो गाइस ये बंदे ना हमारा वेट आगे कर रहे थे, तो देखो क्या कर रहे हैं। अरे बहुत मजे में है ये बंदे, क्योंकि इनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी है, गाड़ी में बैठ के चाय के मजे ले रहे हैं। तो इस बंदे को जाना है रबड़ बूट लाने के लिए, क्योंकि इसने घर में जूता लाया ना, इसको ठंड लग रही है, ठीक है। चुका चीका सुन चेरी, कहाँ जाना है? कौन सर नक जाना है, ये जा रहा है रबड़ बूट लाने के लिए। चल चल, हम तब तक चाय पिएंगे अच्छे से। आपका भाई ना चाय वाला बन चुका है, देख लो भाई। ओह चाय ले लो, 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 चाय वाला बन गया मैं। देख लो जूता लाया, ऐसा लग रहा है ना हॉस्पिटल में पहनते हैं भाई। ये क्या लाया तुमने, अंदर से है इसको कुछ वाटर प्रूफ? सो गाइस चाय के मज़े हमने लिए, ऊपर से ठंड भी यार बहुत ज़्यादा लगी थी, और जब ठंड लगती है ना भाई तब चाय पीने में अलग ही मज़ा है। तो हम पहुँचे हैं नहामा, ठीक है। तो ये नहामा का ब्रिज है भाई, देख लो कितनी सारी बर्फ़ है। ये स्टेडियम है, नीचे से यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं ना, जब यहाँ पे मैच होता है तब जाके मज़ा आता है ब्रिज पे मैच देखने को, क्योंकि पूरा दिखता है ना, पूरे का पूरा स्टेडियम। वो बंदे भी आ चुके हैं NS2 लेकर, ठीक है, जिनका वेट कर रहे थे। तो अब अपने साथ है 6 बाइक्स, ड्यूक 2, RC 2 और NS2 यार। अब भाई मज़ा आएगा, क्योंकि अब बहुत सारी बाइक्स अपने साथ है। मेरे ख्याल से आगे भी बहुत सारे बाइक वाले पहुँच चुके हैं, जो कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट के थे, तो वो ऊपर से ही आए, ठीक है। मेरे ख्याल से वहाँ पर भी 2-3 बाइक्स होगी, तो फिलहाल अपने साथ है 6 बाइक्स। तो जब बहुत सारी बाइक्स होती है ना भाई, तब राइड करने में एक अलग ही किक मिलती है, तो वो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, वो किक मुझे मिल चुकी है। आज ही गुंड से यार आए हमारे साथ राइड ज्वाइन करने के लिए भाई, यही क्रेज होना चाहिए, तो इस क्रेज में मज़ा है। तो बच्चों की रिएक्शन देखो यार, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी बाइक जब अपने साथ होती है ना, फिर अलग ही रिएक्शन मिलती है यार। ये चीज़ प्रॉब्लम है, आराम से अंकल आराम से, क्योंकि जब वहाँ से गाड़ी आती है ना, फिर हमें रुकना पड़ता है भाई। देखो यार बर्फ़ कितनी जमी है। अरे भाई साहब, चलो भाई निकल गया मैं भी, अंकल थोड़ी सी जगह दे दो भाई, मैं निकल जाऊंगा। चलो थैंक यू अंकल।
अरे भाई यहाँ पे हमें पकड़ा गया था यार, तो चेकिंग कर रहे थे ये लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी लाइसेंस चेक कर रहे थे, तो कम से कम इन्होंने 10-20 मिनट दिए यहाँ पे रोका था, और उतनी देर में यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। तो हम एयरबल के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना भाई, गीला होने लगा है क्योंकि बर्फबारी स्टार्ट हो गई। अब तो हमारी वाट लगेगी, अभी हम पहुँचे भी नहीं है यार, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी मुझे पता है। गाइस हम अपनी लोकेशन में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे भी देख सकते हो क्या लिखा है, एयरबल लिखा है भाई। तो यहाँ पे आज बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, तो जब परसों हम आए थे ना यहाँ पे उतने सारे लोग नहीं थे जितने आज है यहाँ पे। भाई इसको जगह छोड़नी है। अरे यार यहाँ पे क्या है भाई, ओए ओए देख लो भाई कहाँ से जाना पड़ रहा है भाई। हाँ नहीं नहीं पैर भी पैर मुझे नीचे नहीं करने भाई, फाइनली वी आर इन एयरबल। सो फाइनली गाइस यार हम लोग पहुंच गए एयरबल। तो परसों जब हम आए थे ना यार यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं थे जितने आज है यहाँ पे। तो सभी बाइकर्स आ चुके हैं, बाइक्स हमारी पार्किंग में लग चुकी है। तो नॉर्मली यहाँ से हमें बाइक को नीचे करना पड़ता था, पार्किंग वो है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है देखो यार अपने साथ कितने बाइकर्स है, ठीक है सभी लोग ना राइडर्स ही राइडर्स है, JK01 राइडर और भी बहुत सारे राइडर्स है, तो पीछे कोई नहीं है, सबके सबसे लास्ट में मैं हूँ। अब फिलहाल जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर। तो गाइस फिलहाल हम वाटरफॉल के ऊपर है, ठीक है वाटरफॉल वहाँ पे है यार, बर्फ से देखो पूरा का पूरा एरिया कवर्ड है बर्फ से, सारा कुछ आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। तो भी हम नीचे जाने वाले हैं यहाँ से। भाई कैसा फील कर रहा है यहाँ पे? यार मजा आ रहा है सच में यार, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, प्लान ये कर रहा है तो मैं आ रहा हूं। अभी बहुत सारी लोकेशन है यार, बहुत सारी जगहों पे हमें जाना है। क्या बात है यार, हमें भी वहीं से जाना है नीचे होके बिल्कुल वाटरफॉल तक। वाटरफॉल में बहुत बार आया हूँ, आप लोग भी आए होंगे, लेकिन आज अलग ही मज़ा है, आज यहाँ पे अलग ही सीन है। ठीक है और हल्की हल्की सी बर्फ भी गिर रही है यार, तो उससे और भी मज़ा आ रहा है व्यू। वहाँ से रोड जा रहा है शोपियां की ओर, जो कि अभी बर्फ से कवर्ड है, उसको अभी सुनो उठा ही नहीं है इन लोगों ने, तो वहाँ से भी रोड है, वहाँ से पूरा दिखता है एयरबल। तो इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे बर्फ नहीं दिख रही क्योंकि बर्फ ऊपर है भाई, क्योंकि ऊपर से कवर्ड है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, यहाँ पे बर्फ जम गई है। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे रील्स बना रहे थे, रील्स जो हमने अच्छे से बना ली, ठीक है तो देख लो यहाँ पे बैठे थे, हेलमेट यहाँ पे पड़े हैं सभी, तो सभी बंदों ने अच्छे से रील्स बना ली। अब हम वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, वाटरफॉल भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा आज। उठा लेता हूँ मैं हेलमेट, दो दो हेलमेट भी उठा के ले जा रहा हूँ भाई। हमारे मेहमान है जो कि जम्मू से आए हैं भाई, कितना मज़ा आया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। तो ये बंदा पहली बार कश्मीर आया, ठीक है इसने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अफू का छोटा भाई है, ठीक है तो हम दोनों लास्ट में चल रहे हैं, सभी बंदे आगे गए हैं। तो अब पता है कहाँ जाना है हमें, नीचे जाना है भाई, नीचे जहाँ से पानी बह रहा है ना वही जाना है हमें, जैसे आज वाटरफॉल दिखाऊंगा भाई। चलो जाते हैं, ग्लव्स इसी में है, सारा कुछ है वहाँ से। चलो भाई, हल्की सी स्नो हो रही है और ठंड थोड़ी सी है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, हमें ठंड कुछ भी नहीं लगी है क्योंकि जैकेट वैकेट सभी बंदों ने पहना है, क्योंकि हमको पता थी कि यहाँ पे ठंड होती है, ऊपर से बर्फबारी भी यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो मेरे पीछे जो बंदे हैं ना यार, ये हथियार लेके आए हैं, देख लो भाई हथियार, सबके हाथ में हथियार है, ट्रांसपेरेंट हथियार, ये बहुत तेज़ होता है यार, बहुत तेज़, और मुझे मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तेज़ तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँ वाटरफॉल पे। और मेरा GoPro डाउन हो गया था, तो पावर बैंक साथ में था जो कि जेब में रखा है मैंने, GoPro अब चार्जिंग पे है। तो जा रहे हैं नीचे वाटरफॉल की ओर, देख सकते हो कितना काफिला है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, ठीक है देखो किस साइड पे है, यहाँ से हमें आना पड़ा, यहाँ से अभी तीन बंदे पीछे है और बाकी सभी लोग आगे गए हैं। मेरा GoPro डाउन हो गया था, लेकिन मैंने आज पावर बैंक अपने साथ लिया था। पीछे देखो भाई कितनी टीम आ रही है, बर्फ़ देखो कहाँ तक है, मेरे हाइट के बराबर बर्फ़ है, और ये बर्फ़ थोड़ी सी जम गई है, ठीक है तो आज धूप वूप कुछ भी नहीं है, इसके कारण यहाँ पे बर्फ़ जम गई है भाई। वाटरफॉल देखो यहाँ से कितना खौफनाक लग रहा है भाई, तो इस वाली हाइट से हम नीचे आए, इस पहाड़ से नीचे आए हम। देख लो भाई मैं कहाँ पे आया हूँ, कुछ टूरिस्ट आए यहाँ पे जो फोटो शूट कर रहे हैं। वाटरफॉल मैन वाटरफॉल यही है, यहाँ से ऊपर से रोड है ना, बाइक हमारी ऊपर रोड पे चल रहे हैं यहाँ से वापस, ठीक है सभी बंदे आगे गए हमें और आपको पीछे रह गए, तो हम भी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई यार बहुत ज़्यादा, देख लो तो वाटरफॉल बहुत प्यारा लग रहा है। वाटरफॉल को बाइक वाटर
सुबह यहाँ पे बंदू की हालत खराब हो चुकी है, बर्फबारी देखो यार, सभी के जैकेट बर्फ से भर चुके हैं यार। अब अफू को हमने गाड़ी में बिठाया ठीक है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, तो अपनी बाइक से यहाँ पे रही, चलो भाई बैठ जाओ जल्दी। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं यार, माहौल देखो क्या क्रिएट हो रहा है। सो फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन पे वापस पहुंचे हैं, जहाँ से हमने राइड स्टार्ट किया था ना वहीं पे हम पहुंचे चार बाइक्स लेकर। वो जो बाकी बाइक वाले थे ना वो भी अपने घर चले गए, निकल रहे घर की ओर। आज की व्लॉग को यहीं पे ऐड कर लेते हैं, होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।